कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूं आपके साथ, और आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़े की होती है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बर्गर है, तो ये चिकन बर्गर बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो उसके लिए मैंने ये वाले जो हैं वो बर्गर्स ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ले ली है चीज़, ये मोज़रेला चीज़ है जो पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होती है। तो ये मैंने ले ली है 1 कप, और 1 कप मैंने ले ली है यहाँ पर बोनलेस चिकन, और 1 टेबल 1 टीस्पून मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, और मैदा मैंने लिया है भर के 1 टेबल स्पून। थोड़े से जाएंगे इसके अंदर मसाले, तो ये मैंने ले ली है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ले लिया है मैंने नमक, 1/2 टीस्पून ले ली है मैंने ब्लैक पेपर, और 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है इसके अंदर ज़ीरा, और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है इसके अंदर ऑरिगेनो। तो ये चीज़ें ली है मैंने, और यहाँ पर मैंने ली है प्याज, और प्याज मैंने ली है 1 अदद मीडियम साइज़ की है, और उसको मैंने जो है बस रफली जो है चॉप कर लिया है। और इसके अंदर जाएगा मिल्क भी जाएगा इसके अंदर, तो मिल्क जो है इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 कप डालूंगी, तो वो मैंने रखा नहीं था तो वो भी रख लेंगे। तो चलो जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसको मैंने प्री हीट कर लिया है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन को, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। आप चाहें तो इसकी फिलिंग को जो है वो थोड़ा ज़्यादा करने के लिए, जैसे अगर किसके पास चिकन कम है, कभी नहीं होती घर में, तो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन जो हरी प्याज होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, और पोटैटो की भी इसकी जो है फिलिंग बना सकते हैं। तो जी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो मसाले थे थोड़े से हमारे, मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इसको इस तरीके से 1 मिनट हुआ है अभी पकते हुए, तो अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर ये जो हमारे पास प्याज थी, मिक्स करेंगे इसको, और इतनी छोटी छोटी सी जो है मैंने वो चिकन के चंक्स किए हुए हैं कि ये बहुत ही जल्दी से जो है वो पक जाएगा, 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसको। तो चिकन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये मैदा, और ये मैंने मैदा जो है इसमें 2 टेबल स्पून डाला है, मैंने गलती से 1 टेबल स्पून बोल दिया था। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे चिकन के साथ प्याज के साथ, इतना कि इसका ये जो कच्चापन है वो निकल जाए मैदे का। फ्लेम को थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है, बस 2-3 मिनट में ये भून जाएगा जो हमने इसके अंदर मैदा डाला है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क। तो ये देखें मैदा जो है वो अच्छे से भुन चुके हैं, 2 से 3 इंच लगे हैं, बस इसको ऐसे मैंने इस तरह से दबा दबा के, क्योंकि मैदा जो है वो सारा हमारी जो चिकन और प्याज वगैरह थी उसके अंदर जो है बिल्कुल अच्छे से चिपक गया था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से उसको कर दिया है। अब मैंने डालना है इसके अंदर मिल्क, तो मिल्क मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1/2 कप, और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चलाते रहेंगे इस तरह से, और फ्लेम को मैंने कर दिया है लो, रोक रोक के डालेंगे मिल्क को। तो ये देखें ये जो है अच्छे से थिक होना शुरू हो गया है, और इसके अंदर जो है तकरीबन मैंने डाला है
200 एमएल जो है इसके अंदर दूध गया है। ये देखें अच्छी सी जो है ये हमारी चिकन तैयार हो गई है। बस इसी तरीके की हमें करनी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं डालूंगी क्योंकि मैं ऊपर से डालूंगी तो इसलिए मैंने नहीं डाली। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो चिकन हमारी रेडी हो गई है, तो चलते हैं अपने। तो ये मैंने डिनर रोल्स ले लिए हैं और इसको जो है मैं इस तरह से बीच में से निकाल दूंगी। वैसे मैंने निकाल लिए थे जब चिकन बना रही थी, तो मैंने एक आपके लिए रख दिए थे दो। इस तरीके से इसको निकाल देंगे बीच में से। और इस तरीके से हल्के हल्के करके इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो दूसरे को भी मैं इस तरह कर लेती हूँ। तो चिकन भी जो है वो रेडी हो गई है। मैंने निकाल ली थी चिकन पैन में से, अब मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन को इस तरह से। और बहुत ज़्यादा जो है वो हमने इसको कट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही इसको हमने बीच में से निकालना है सेंटर का पीस। इस तरीके से इसके अंदर फिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जो बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैंने ले ली है चीज़ मोज़रेला, आप चेडर मोज़रेला दोनों मिला के भी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही रिच रिच से, यमी यमी से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे इसी तरीके से मैं बना लूँगी। तो ये देखें ये मैंने बना लिए हैं, ये मैंने 5 बनाई और इतने जो है फिलिंग के साथ जो है ये तकरीबन आराम से जो है वो 8 बन सकते हैं। तो ये जो इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर आप बटर लगा दें या हल्का सा घी लगा दें जो आपके पास हो इस तरह से। और इसको मैं रखूँगी ओवन में, बस इतनी देर के लिए मैं ओवन में रखूँगी कि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी कुक है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो ओरिगानो को जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी हम कर देंगे स्प्रिंकल ओरिगानो को। आप चाहें तो इसके ऊपर कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, जो फ्लेक्स होते हैं, इस तरह से डाल दूंगी। आप चाहें तो ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, टोटल आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप डालना चाहें। बहुत मज़े के बनेंगे ये। बस ये हो गया है, मैं इसके अंदर चिली नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही रखूँगी इसको। तो चलो मैं इसको करती हूँ बेक और आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है, अगर आपके पास पार्सली हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो ये ज़रा अच्छा कलरफुल सा लगेगा। और एक दो पे मैं लगा दूँगी ऑलिव्स। तो ये रेडी हो गए हैं, तो जो मैं इसको रखती हूँ अब ओवन के अंदर, और बस इतनी देर के लिए रखूँगी, ग्रिल ऑन करके रखूँगी मैं, ताकि ये ऊपर से जो है हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। तो बस इतनी देर रखेंगे, 5 मिनट में ही हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से जो है वो हमारे पिज़्ज़ा बर्गर ही आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मैंने पहले 5 बनाए थे और एक मेरा रह गया था, तो ये मैंने एक बना लिया है अपने लिए। तो इसमें मैंने चिली वगैरह भी डाल दिए, हैलोपिनोज भी डाल दिए हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छी लगेगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।